हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, और अप्रॉक्सीमेटली वो हो गई कि कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों की रह गई है। तो तुम लोग को पता होगा कि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट अलाइव। तो ये एक गैस है, सभी को पता है, और कैसी है? एडरलेस एंड कलरलेस गैस है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोगों को पढ़ना है कि अगर वाटर में इसको सॉल्युबल करते हैं तो ये सॉल्युबल होती है या नहीं होती है। तो इट इज़ वाटर सॉल्युबल। हाँ, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है, ये डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। तो ये सारी स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है? तो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले आप लोग को लिखा देती हूँ, उसको फिर वन बाई वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ देखिए सभी, इट इज कलरलेस एंड अडरलेस गैस। ये कैसी गैस है? कलरलेस है और अडरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसमें। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसी होती है? सॉल्युबल होती है। एंड डिसॉल्व 3.08 ml in 100 ml। 100 ml में कितनी डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन? 3.08 ml एट 293 केल्विन। टेम्परेचर कितना होता है? 293 केल्विन पे इतने ml गैस 100 ml में डिसॉल्व हो जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती है। हां, नेक्स्ट इज वो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इंक्रीज हो रही है। तो मतलब सीधी सी बात है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? नाउ इट लिक्विफाई, क्योंकि ये गैस है तो हम इसको लिक्विफाई करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? कितने टेम्परेचर पे? तो इट लिक्विफाई एट 90 केल्विन। 90 केल्विन पे ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है। एंड फ्रीज करना है हमको, तो फ्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर है वो है 55 केल्विन पे। ओके, नाउ डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑल मेटल। डाइऑक्सीजन इतनी हाईली रिएक्टिव होती है ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इसका प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये डायरेक्टली सभी एलिमेंट जितने भी ऑल मेटल्स हैं उनके साथ डायरेक्टली ये क्या हो जाती है? रिएक्ट कर जाती है। इसके अलावा नॉन मेटल के साथ भी ये रिएक्ट कर जाती है। हाँ, मैंने यहाँ लिखा भी है नॉन मेटल टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। और क्या फॉर्म करेगी? ऑक्सीजन किसी के साथ अगर रिएक्ट कर रही है तो बॉन्ड फॉर्म करके उसको किस में चेंज करती है? ऑक्साइड में। एक्सेप्ट हाँ, गोल्ड, प्लैटिनम एंड सम नोबल गैसेस। ये नोबल मेटल्स, जो नोबल मेटल्स होते हैं और नोबल गैसेस होते हैं उसके साथ ये इजीली डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिएक्ट करेगी। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ डायऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट इज जनरली एक्सोथर्मिक। तो अगर ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रही है, किसी एलिमेंट को तो जब वो बॉन्ड फॉर्म कर रही है उसके साथ, उसको ऑक्साइड में चेंज कर रही है, तो वो रिएक्शन कैसे होती है? एक्सोथर्मिक ही डेवलप होगी इसमें, ठीक है? अगर सम एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हमको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की नीड होगी एंड टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत है? सम एक्सटर्नल एनर्जी की। ओके, जैसे यहाँ देखो, कैल्शियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो क्या फॉर्म कर रही है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम भी बोलते हैं, है ना? और इसके अलावा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब जितने भी मैटर है उसके साथ अगर ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो वो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। और वो जो मेटल्स है वो किस में चेंज हो जाएंगे? ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है? तो ये तो मेटल की बात हुई। अगर नॉन मेटल के साथ वो रिएक्ट करती तो किस तरह का रिएक्शन है वो मैं थोड़ा एक दो आप लोग को एग्जाम्पल में बता देती हूँ, ठीक है? इसको आप पहले नोट कर लो। तो ये कुछ रिएक्शन है कि ऑक्सीजन, यहाँ पर मैंने एक मेटल का भी केस लिया हुआ है कि सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है तो वो Na2O मतलब कि सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। और ऑक्साइड के फॉर्म में मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है ना? और वही अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं और टेम्परेचर कितना रख दें? 570 केल्विन रख दें,
परऑक्साइड, और सोडियम परऑक्साइड है तो इसमें कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, -1। तो ये आप लोग एक्स की वैल्यू से भी निकाल सकते हो, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा आप लोग को, तो ये आप लोग एक्स की वैल्यू से भी निकाल के देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रहा है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, एक में ऑक्साइड और दूसरे में परऑक्साइड। नाउ नॉनमेटल की बात करें तो फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर रहा है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में। कार्बन को ये बहुत इजीली, सभी को ये इजीली, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ये तो कंप्लीट कन्वेंशन में होगा, इट इज कन्वेंशन रिएक्शन, अगर इनकम्प्लीट कन्वेंशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होती है। ठीक है, एंड नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को डायनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। जिंक सल्फाइड को कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने मेटल के सल्फाइड लिए तो उसको भी बहुत इजीली वो मेटल को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो नॉन मेटल है उसको भी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ZnO एंड SO2 फॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको भी ये बहुत इजीली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे यहाँ देखो मीथेन है, तो मीथेन को ऑक्सीडाइज करके क्या किसमें चेंज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह से इथेन को भी ये इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिल जाएगा हम लोगों को, वाटर। तो ये सारे रिएक्शन है ऑक्सीजन के, क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसी के साथ ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज ओवर हो गई है। अब हम लोगों को ओजोन की स्टडी करनी है, जो कि ऑक्सीजन का क्या है, एक ऑक्साइड है। और ओजोन के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि ओजोन की जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर में जो होती है, वो हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, जिससे हम लोगों को स्किन कैंसर या स्किन डिजीजेस नहीं हो पाती है। और अभी आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो ओजोन लेयर है उसमें काफ़ी होल्स हो गए हैं कई जगह पर, तो इसका रीज़न भी आपको पता होगा, पोल्यूशन। तो इट इज़ हाईली रिएक्टिव, क्योंकि जो ओजोन होती है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, अभी क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि O3 जो है वो तुरंत ही डिकम्पोज हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव, और वो बना देगा क्या, जैसे यहाँ पर देखो कि ओजोन इज O3, इसको अगर हम थोड़ा भी प्रोवाइड करेंगे जितना इसको चाहिए उससे ज़्यादा, तो ये तुरंत ही O2 और नेक्स्ट ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो ये जैसे ही डिकम्पोज होगा, तो अभी तो हमारा ओजोन जहाँ पर भी जो लेयर हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही थी वहाँ पर ये क्या बन गया, O2 एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन। तो ये ओजोन तो रहा नहीं, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग ओजोन होल। तो बहुत जगह पर इस तरह के होल्स बन गए एटमोसफेयर में। हाँ, अभी ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो उसकी वजह से अभी हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी हो गया है, तो जो ये लेयर काफ़ी जगह से जिसमें होल्स थे वो अभी वो रिपेयर हो रहा है, बहुत जगह रिपेयर हो भी चुका है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया हम लोगों को लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे ओजोन लेयर की। तो मैं ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देती हूँ, उसके बाद सोचते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ओजोन की, ये क्या करता है और कैसा होता है, कैसा रिएक्टिव है, क्या है। तो इट इज ऑक्साइड एंड कंसीडर्ड एज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड है और उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एंड इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन एटमोस्फियर एट सी लेवल। ओके, नाउ इट फॉर्म ओजोन लेयर, ये क्या फॉर्म करता है, ओजोन लेयर at a height of about 20 km above sea level। ठीक है, तो sea level से 20 km above की जो height होती है उस पर ये ozone layer form करता है। ओके, एंड ये ozone layer क्या करती है, तो it protect the earth surface, ये earth surface को protect करती है along with living organism, हम लोगों को किस से, तो from ultraviolet। तो अभी हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज होती, तो ये काफ़ी हम लोगों के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है ओजोन। और
और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद क्या देता है, नेशन ऑक्सीजन, तो वो नेशन ऑक्सीजन किसी को भी क्या कर सकता है, इजीली ऑक्सीडाइज, और वो नेशन ऑक्सीजन किसी को भी ब्लीच भी कर सकता है, तो हम लोग एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसको यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे यूजेस है ओजोन के। ओके तो चलो भाई, तो प्रिपरेशन आकर देख लेते हैं इसको। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओजोन की। तो इसमें देखो यहाँ पर कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ड्राई ऑक्सीजन। तो हम ड्राई ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो बन सकती है, या तो अगर ड्राई ऑक्सीजन नहीं है तो ड्राई एयर भी अगर हम उसमें भी इलेक्ट्रिक करेंट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें तो वी गेट ओजोन। क्लियर, ये फर्स्ट मैथड है। एंड ये जो रिएक्शन होती है, तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें हीट इवॉल्व होगी, हीट रिलीज होगी। एंड ड्यूरिंग रिएक्शन 10-15% ऑक्सीजन, रिएक्शन जब हो रही है उस दौरान क्या होगा, ऑक्सीजन 10-15% ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी एंड टू फॉर्म ओजोन, ओजोन फॉर्म करेगी। क्लियर, एंड द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ओजोन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ओजोन को ओजोनाइजेशन। एंड जो इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड ओजोनाइजर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ओजोनाइजर। अब ये ओजोनाइजर जो होते हैं, जिससे हम ओजोन ओजोनाइजेशन करते हैं, ओजोन की प्रिपरेशन करते हैं, वो टू टाइप का होता है। तो यहाँ देखो, एक है सीमेंस ओजोनाइजर और एक क्या है, बूडीज ओजोनाइजर। और ये इसकी रिएक्शन, ये हमारी ड्राई ऑक्सीजन 298 केल्विन पर, ये किसमें चेंज हो रही है, ओजोन में। और जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 142 किलो जूल पर। क्लियर, तो ये है इसकी प्रिपरेशन मेथड ओजोन की, इसको आप लोग नोट कर लें। तो प्रिपरेशन मैथड के बाद मैंने ऑक्सीजन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर लिख रखी है, और उसको आप लोग एट अ ग्लेंस देख लें कि प्योर जो ऑक्सीजन हो, सॉरी ओजोन होता है वो कैसा होता है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है, उसकी हाई कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन में हम लोगों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, और वो किस कलर का होता है जब वो गैस स्टेट में है, लिक्विड में है या सॉलिड में। ओके, तो प्योर ऑक्सीजन चलो देखते हैं यहाँ पे, सॉरी बाद में इसको ऑक्सीजन बोल रही हूँ, इट इज ओजोन। प्योर ओजोन इज अ लाइट ब्लू गैस, तो गैस स्टेट में किस कलर का है, लाइट ब्लू कलर का है। एंड कंसीडर टू डार्क ब्लू लिक्विड, लिक्विड में ये कैसा कंसीडर करते हैं उसको, डार्क ब्लू, बहुत ही डीप ब्लू हो जाता है ये। एंड सॉलिड स्टेट में कैसा, एंड वॉयलेट ब्लैक किसमें रहेंगे, सॉलिड। क्लियर, तो सभी स्टेट में जैसे जैसे स्टेट चेंज हो रही है, कलर भी क्या हो रहा है इसका, चेंज हो रहा है। फिर से एक बार देखें कि गैस में कैसा था ये, लाइट ब्लू, और लिक्विड में कैसा हो गया, डार्क ब्लू, और सॉलिड में कैसा हो गया, वॉयलेट ब्लैक स्टेट। मतलब अगर हम देखें कि ग्रेजुअली जो उसका कलरेशन है वो डीप की तरफ जा रहा है ना, लाइट से कैसा होते जा रहा है, धीरे धीरे डार्क एंड डीप होता जा रहा है। नेक्स्ट देखो, इन लो कंसंट्रेशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है तो क्या होगा, इट इज हार्मलेस, ये हम लोगों के लिए कैसा है, हार्मलेस है। बट एंड इफ द कंसंट्रेशन रेजेस अबव 100 ppm से जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन रेज करती है तो क्या होता है, तो दैन द ब्रीथिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल, हम लोगों को ब्रीथ करने में काफी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। अगर 10 ppm से इसका कंसंट्रेशन ओजोन का क्या हो जाएगा, रेज कर जाएगा, एंड रिजल्टिंग उसका रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्टिंग इन हेडेक, सर में हम लोगों को दर्द होने लगेगा, एंड नौसिया, दैट इज फीलिंग लाइक सिकनेस।
कुछ अजीब सी बेचैनी टाइप की होती है, उसको हम लोग नौसिया बोलते हैं, वोमिटिंग टाइप का लगने लगता है। एंड नाउ लास्ट देखो कि ओजोन इज अ थर्मोडायनेमिकली कैसा है ये, अनस्टेबल, मतलब जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज होके मैंने भी इसके पहले भी आप लोग को बताया था कि जो ओजोन है वो हीट करने पर जैसे ही टेम्परेचर रेज करते हैं तो ये ऑक्सीजन और नेशन ऑक्सीजन देता है, क्लियर। तो इस तरह से ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लो जल्दी से। तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, देख रहे हैं आप लोग। सबसे पहले डिकम्पोजिशन, तो ये बहुत ही इजीली डिकम्पोज हो जाएगा जो ओजोन है ऑक्सीजन में, और इसीलिए बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और जहाँ एंथैल्पी चेंज इसका हो जाएगा नेगेटिव 140, जिसको बदले में जितनी एनर्जी हम उसको दे रहे होते हैं जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो उतनी ही अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्लियर। तो जब हम बना रहे हैं तो इतनी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर कैसा है, इसका देखते हैं यहाँ पर। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर में कि ओजोन बिहेव एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो मैंने इसके पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन जो ओजोन है वो ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो नेशेंट ऑक्सीजन देता है, और वही नेशेंट ऑक्सीजन मेटल या नॉन मेटल है या फिर और भी कुछ जो कंपाउंड्स है उन सभी को ईजिली ऑक्सीडाइज करता है। तो ये एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है जो ओजोन है। एंड सो इट ऑक्सीडाइजेस, किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेनी अदर कंपाउंड्स। अब जैसे मैंने बताया कि हम लोगों की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से, तो इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज मेनली ड्यू टू नेशेंट ऑक्सीजन, क्लियर हो रहा है। नेशेंट ऑक्सीजन की वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो हो रही है, मतलब किसी भी मेटल या मिनरल को ऑक्सीडाइज कर। लाइक दिस देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और भी मैं एक दो एग्जाम्पल अभी आप लोग को नोट करवा दूंगी। जैसे यहाँ पे देखो कि ओजोन ब्रेक होके डिकम्पोज होके क्या दे रहा है, O2 और साथ में दे रहा है नेशेंट ऑक्सीजन। और यहाँ पर है सिल्वर मेटल, और सिल्वर मेटल को ये नेशेंट ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज करके सिल्वर ऑक्साइड में चेंज कर देती है। अब हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, मतलब कि जो एक सिंगल रिएक्शन आप लोग जो देख रहे थे वो एक्चुअली में टू स्टेप में होती है कि सबसे पहले जो ओजोन है वो उस तरह से डिकम्पोज होकर नेशेंट ऑक्सीजन देता है, और फिर सेकंड स्टेप में ये जो नेशेंट ऑक्सीजन है वो सिल्वर को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करके सिल्वर ऑक्साइड में चेंज कर देती है। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन के सेम नंबर, इसको हम कैंसिल कर देंगे और टोटल रिएक्शन ऐड करने पर क्या हो जाएगी, 2AgO3। इसके बाद एरो किस तरह, यहाँ पर देखो Ag2O, या फिर पहले आप O2 भी लिख सकते हो, रिएक्शन इतना सभी को आता होगा, Ag2O एंड O2, ठीक है। तो इस तरह से जो ओजोन है इट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक मेटल हो नॉन मेटल हो या कोई भी कंपाउंड हो उसको इजीली ऑक्सीडाइज कर रहा है, और उसका जो ये ऑक्सीडाइजिंग उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से आ रही है, नेशेंट ऑक्सीजन इसकी वजह। क्लियर, तो मैं एक दो और रिएक्शन बता देती हूँ, उसको आप नोट कर लो। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों को देखो यहाँ पर दिखा रखे हैं कि किस तरह से मर्करी को, सल्फर को और फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो वो जो फिर से एक बार नेशन टॉक्सिन दे रहा है, और मर्करी को बहुत इजीली Ag2O में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। इसके बाद उसको ऐड कर दो, तो ऐड करना सभी को आता होगा कि जो ऑक्सीजन है दोनों साइड के कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि सेम नंबर है। अगर सेम नंबर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेव करने के लिए, मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पर देखो मैंने बैलेंस करने के लिए कितना लिया हुआ है,
थ्री नेचर्स ऑफ सिलियम हो रहा है और यहाँ पर कितना था 1 था, तो मैंने इसको पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो बैलेंसिंग सभी ने सीख रखी होगी, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं अपना एक वीडियो डालूंगी कैपिटल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उसमें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर को ये बहुत अच्छे से सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर ले रहा है, ऑक्सीडाइज कर ले रहा है, और ये इसको ऐड करने के बाद टोटल फुल रिएक्शन। एंड यहाँ देखो फॉस्फोरस को भी एक स्टेप वाले पहले ऑक्सीजन ओजोन जो है वो नेशन टॉक्सिन देगा, और ये नेशन टॉक्सिन फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके किसमें बदल देगी, फॉस्फोरिक एसिड में, और फिर दोनों को आप लोग ऐड कर दो तो ये है कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। तो इस तरह से ओजोन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को बहुत ही इजीली क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करता है ड्यू टू नेशन टॉक्सिन, ठीक है। और इस नेशन टॉक्सिन की वजह से ही ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो ऑक्सीजन होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, और ये किसी भी कलरफुल सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, तुरंत ही गेन कर लेगी, रिसीव कर लेगी और उसको डिस्कलर कर देगी। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, लेकिन साथ में ब्लीचिंग एजेंट भी, और ये परमानेंटली ब्लीच करता है। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि जो ब्लीचिंग एक्शन है वो दो चीजों के कारण होता है, एक तो नेशेंट हाइड्रोजन होता है और दूसरा क्या होता है, नेशेंट ऑक्सीजन। लेकिन नेशेंट हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही अनस्टेबल है। अगर स्टेबल होना है तो हाइड्रोजन को किसमें चेंज होना पड़ेगा, H2 में, ऑक्सीजन को किसमें चेंज होना होगा, O2 में, तभी स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब है कि अपने ऑक्टेट को, वैलेंस शेल के ऑक्टेट को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो इस तरह की कंडीशन में दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की नीड है, काफी अनस्टेबल है, तो ये क्या करेंगे, कलरफुल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और कलरेशन किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के कंफिगरेशन पे, है ना। तो जैसे ही उसका कंफिगरेशन चेंज होता है, मैं ये सब आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग केमिस्ट्री में से स्टडी करने के लिए कुछ चीज़ें रेड कलर की होती है, कुछ ब्लू होती है, कुछ लिक्विड, कुछ सॉलिड होती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से डिपेंड करेंगी, ये मैं आप लोगों को जब डी एंड एफ पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से कलरेशन और मैग्नेटिक, जो जैसे कुछ चीज़ें पैरामैग्नेटिक नेचर होती है, कुछ डायमैग्नेटिक होती है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर किस लिए ऐसा होता है कि भाई अगर हम सिल्वर या गोल्ड को देखें तो ये मैग्नेटिक टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होती, मैटर तो ये भी है लेकिन आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सब के रीज़न में डी एफ एंड एफ ब्लॉग जब आप लोगों को उसका वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो सीधी सी बात है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, नेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल, तो कलरफुल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और उसको कैसा कर देते हैं, डिसकलर मतलब ब्लीच कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया सारा, ऐसे ही फॉस्फोरस को इसलिए कर लेते, उसको आप लोग नोट कर लो। ये बहुत सारे कंपाउंड्स को भी अगर आप लोग देखें तो उसको भी ये इजीली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी मैं एक कंपाउंड ले लेती हूँ, स्टेनस क्लोराइड, और उसको ये किस तरह से, हाँ ये याद रखना कि जो मेटल के सॉल्ट्स या क्लोराइड्स होते हैं उसको अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा ओजोन, तो उसके लिए थोड़ा सा मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक एसिडिक मीडियम लेते हैं, इसको एक्सियल की कुछ ड्रॉप्स में डालेंगे, एंड देन ये जो नेशन ऑक्सीजन है इसको ऑक्सीडाइज करके स्टेनस क्लोराइड से किसमें चेंज कर देगा, स्टेनिक क्लोराइड में। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन जो है वो सेम है, तो हम इसको कट कर देंगे और रिएक्शन को ऐड कर देती हूँ मैं, SnCl2O3 twice HCl, और इस तरफ हम देखें तो SnCl4+। रिएक्शन बैलेंस हो गई है, क्लियर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज की ओजोन की वो ओवर हो गई है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट एलिमेंट स्टडी करेंगे, सल्फर, और सल्फर के बाद ये जो हमारा ग्रुप है वो फिनिश हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे दो ग्रुप और रह जाएंगे, और इसके बाद जो पी ब्लॉक, जो आप लोग को क्लास ट्वेल्थ वालों को काफी बोरिंग और काफी लेंथी लगता है और जो कि काफी स्कोरिंग है, वो फिनिश हो जाएगा, क्लियर। तो काफी छोटे छोटे से वीडियोस और काफी शॉर्ट में मैंने ये जो नोट्स दिए हैं,
तो आपके एग्जाम टाइम में काफी आपको ये हेल्प करेंगे, उसको अच्छे से आप लोग को स्टडी कर लेना है। तो ये ज्यादा मेरे को ऑक्सीजन एंड ओजोन फिनिश हो गया और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा ये रिएक्शन देख के आप लोग बैलेंस नहीं हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन से तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है ना, तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर H2O फॉर्म करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर H2O फॉर्म होगा। ओके तो ये मैंने तो जनरल प्रॉपर्टीज लिख दी है सल्फर की। तो यहाँ आप लोग कैरेक्टर्स देख लें कि इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट। तो ये सभी को पता है कि ऑक्सीजन की बात जो सेकेंड मेंबर होता है वो कौन रहता है? सल्फर रहता है। तो जो सल्फर है वो सेकेंड मेंबर है ग्रुप 16 का। एंड नाउ नेक्स्ट है इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 3s2 3p4 और 3d भी अवेलेबल होता है लेकिन उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर नंबर 03 था उसमें आप लोगों को अच्छे से बताया था कि किस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आउटर मोस्ट का वैलेंस शेल का वो होता है और इसमें 3d वैकेंट शेल जो होती है उसमें हम ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एस और पी के उसको प्रमोट करके उसका प्रमोशन करके इसकी कोवेलेंसी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो उसी की वजह से इसमें हायर वैलेंसी आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, उसको मैंने लिखवा भी दिया है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर शोज हायर वैलेंसी, जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें डी सबशेल क्या होता है? इट इज फाउंड इन बोथ फ्रीज एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो ये फ्रीज स्टेट में और कंबाइंड स्टेट दोनों में हमको सल्फर मिलेगा। सल्फर हमको फ्री में भी फ्री स्टेट में भी मिल रहा है और कंबाइंड स्टेट में तो जो मिलेगा वो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो इट इज कंबाइंड स्टेट इज एग्जिस्ट मेनली एज सल्फाइड एंड सल्फेट ओर। तो चैप्टर भी हम लोग को पढ़ना ही है मेटलर्जी वाला, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि ओर्स क्या होते हैं और किस तरह के कितने टाइप के ओर्स होते हैं सब बोर्डिंग का भी। उससे 5 मार्क्स का जरूरी क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से, तो उसको मैं उसमें कराऊंगी। तो मैं सल्फर जो है हम लोगों को सल्फाइड और सल्फेट ओर के फॉर्म में मिल रहा है। तो सल्फाइड ओर में देखो यहाँ पे जिंक ब्लेंड, जिंक का जो एक ओर है जिंक मेटल का, जिंक सल्फाइड एंड गैलेना लेड का ओर है एंड सिनेवारिस मर्क्यूरी। और सल्फेट के फॉर्म में कैसे मिल रहा है? ये सब सॉल्ट के फॉर्म में हमको मिलेंगे, लाइक जिप्सम जिसका कि मॉलिकुलर फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस एच टू, मतलब ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। एप्सम इज ऑल्सो हाइड्रेटेड सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम मेटल का ये सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट है 7H2O एंड बेराइट जो है वो बेरियम का है, बेरियम सल्फेट। क्लियर? तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है सल्फर की, इसको आप लोग नोट कर लें। तो फिर मैं आगे आप लोगों को पढ़ाती हूँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले थोड़ा हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर भी हम लोगों को स्टडी करना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप सभी को पता होगा कि क्या होता है, कि सल्फर जो है उसका वो कितने स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सल्फर है वो तीन फॉर्म में, तीन एलोट्रॉप्स हैं इसके। रोम्बिक सल्फर, या हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल सल्फर, एंड या फिर हम इसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हो गया एलोट्रॉप का। एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, या फिर हम इसको बीटा सल्फर के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, एक और फॉर्म है इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म प्लास्टिक सल्फर, और इसको हम बोलते हैं गामा सल्फर। मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन एलोट्रॉप्स हैं सल्फर के। तो ये भी हम लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना है। तो एक दो लाइन में मैं क्या करती हूँ कि इसकी प्रिपरेशन मैथ और इसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सल्फर का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेंगे कि किस तरह से एट एटम्स कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्म करके क्रोम लाइक और चेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया।
तो देखिए हम लोग कि मैंने रोमिक सल्फर की कुछ प्रॉपर्टीज ली थी, कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे और गैस की प्रॉपर्टीज होती है, तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे। पहले एक बार देख लीजिए आप लोग कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सल्फर रोल। कहाँ से मिलेगा हमको? फाउंड इन नेचर इन CS2 में जब हम लोग सल्फर रोल को डिजोल्व करेंगे एंड येलो इन कलर, और ये कैसा होगा? येलो इन कलर का होगा, तो ये प्रिपेयर होगा हमारा रोमिक सल्फर। क्लियर? नाउ देख सको कि जो रोमिक सल्फर या अल्फा सल्फर होता है वो कैसा होता है। तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसा होगा? इनसॉल्युबल। तो जो चीजें वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाती है तो वो किसमें सॉल्युबल होती है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि जो वाटर है वो क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर देखो वही चीज होगी, बट डिजॉल्व इन सम एक्सटेंट। हाँ, लेकिन कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत ही होगा। तो डिजॉल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर। तो दे ऑल आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? तो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन सम एक्सटेंट में बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर में क्या होगा? ये डिजॉल्व होगा। क्लियर? ऑन इवेपोरेशन, जब हम इसको इवेपोरेट करेंगे तो वी गेट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ रोमिक सल्फर। तो इवेपोरेशन से हम लोगों को मिल जाएगा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ रोमिक सल्फर। क्लियर? एंड नेक्स्ट देखो, इट इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। इट इज कौन सा? अल्फा। तो अल्फा सल्फर इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर का ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है, रोमिक सल्फर या हम बोले अल्फा सल्फर। इन कंपैरिजन टू या देन बोले हम किसका? बीटा या फिर हम गामा की बात करें। और इसके अलावा ये कैसा है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबकी प्रॉपर्टीज याद रखना कि ये कैसा है? अल्फा सल्फर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा ये एग्जिस्ट कैसे करता है? एसिड सल्फर सिर्फ गैसेस स्टेट में ही डायनामिक है, बाकी में कैसा रहता है? ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगी। एंड इट इज रेडियली सॉल्युबल इन CS2। तो ये CS2 मेगाकार्बन सल्फाइड में बहुत ही जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? या तो रोमिक सल्फर बोले, या तो मैंने एक और इसका नहीं बताया था ऑक्टाहेड्रल सल्फर, या हम बोले अल्फा सल्फर। ठीक, बात बीटा और